जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो अपनी बुराई में लगे हैं, संसार में लगे हुए हैं, संसार के लोगों के साथ लगे हैं, संसार के भोग विलास में लगे हैं, परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, उनके नाम जो हैं पृथ्वी पर ही लिखे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे कि आपके नाम कहां लिखे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे नाम जो है उस जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, हमारे नाम जो है स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और यहां प्रभु एक बात और भी कहता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका 10 अध्याय उसके 20 पद में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। चेले जो थे जब शैतान की शक्तियों को, दुष्टात्माओं को निकाल कर आ रहे थे, तो वो बहुत आनंदित हुए और प्रभु से कहने लगे कि प्रभु अब तो दुष्टात्माएं भी हमारे वश में हैं, हम उन्हें निकाल सकते हैं, हम उन्हें डांट सकते हैं, हम उन्हें भगा सकते हैं। मगर प्रभु ने कहा इस बात से आनंदित ना हो। बहुत से लोग इस बात से बड़े खुश होते हैं कि हम शैतान को निकाल सकते हैं, हम शैतान को डांट सकते हैं, हम शैतान का ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर प्रभु क्या कह रहा है कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब मत्ती 7 अध्याय 21 22 23 पद पढ़ेंगे तो वो कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, हर एक कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा, परंतु वही पहुंचेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। और वो कहता है कि उस दिन बहुत तेरे, न्याय के दिन बहुत तेरे आकर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से सामर्थ के काम नहीं करे। परंतु 23वें पद में कहता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं जाना। तो वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस बात से आनंदित मत हो, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। और स्वर्ग में उसी के नाम लिखे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। अब प्रकाशित वाक्य के 15 में क्या लिखा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे आग की झील में डाला गया। अब स्वर्ग में जो नाम लिखे हुए हैं वहां पर एक पुस्तक है जिसको जीवन की पुस्तक कहा गया है। उस पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने हर एक पवित्र लोगों के, हर एक धर्मी लोगों के, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, हर एक पवित्र लोगों के, हर एक धर्मी लोगों के, हर एक उस व्यक्ति का नाम लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करता है, उसके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मगर बहुतों के नाम जो है अगर जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में नहीं लिखे तो कहां लिखे, कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे। चलिए इस बात को भी जान लेते हैं। यिर्मयाह 17 और उसके 13वें पद में लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। क्या लिखा, जितने यहोवा को छोड़ देते हैं, जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जो अपनी बुराई में लगे हैं, संसार में लगे हुए हैं, संसार के लोगों के साथ लगे हैं, संसार के भोग विलास में लगे हैं, परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, उनके नाम जो हैं पृथ्वी पर ही लिखे जाएंगे। और जिनके नाम पृथ्वी पर लिखे जाएंगे वो इस पृथ्वी के साथ ही वो मिटाए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर लिखे हुए हैं। आपने यौना 8 अध्याय जब 1 से 11 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या संदेश आपने कई बार सुना भी होगा कि एक व्यभिचारिणी स्त्री को लोग यीशु मसीह के पास पकड़कर लाए और उससे कहने लगे कि व्यवस्था के अनुसार जो है ऐसी स्त्री को पथरवा करके मार देना चाहिए। मूसा की व्यवस्था में यह बात लिखा है, जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसे पथरवा करके मार डालना चाहिए। उन लोगों ने यीशु मसीह से कहा कि तू क्या कहता है। वो पृथ्वी पर उंगली से कुछ लिखने लगा। ध्यान दीजिएगा, वहां जितने लोग आए थे वो कुछ भूमि पर उंगली से लिखने लगा। वो पूछते रहे, जब वो दोबारा पूछा तब उसने सर उठाया, सर उठाकर क्या कहा, जिसने कोई पाप ना किया हो वो इस स्त्री को पहला पत्थर मारे, और फिर भूमि पर लिखने लगा। अब लोगों में कंफ्यूजन होता था कि वो लिख क्या रहा था। वो ये लिख रहा था जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जो धर्मी बने हुए थे और उस स्त्री पर दोष रोपण कर रहे थे, जबकि उनके जीवन में बहुत सा दोष है, उनके नाम पृथ्वी पर लिख रहा। जब उनके नाम पृथ्वी पर लिखे जा रहे थे तो उनको अपने पाप दिखाई दे रहे थे कि वो तो इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा तो देख ले
फिर तू अपने भाई के तिनके को यानी एक छोटी सी बुराई को तब तू देख सकेगा, दूर कर सकेगा। हमारे जीवन में तो ढेरों बुराइयां होती, ढेरों बुराइयों से भरा हमारा जीवन, हमारा जीवन जो है सड़ रहा होता है बुराइयों में पड़ा हुआ। परंतु हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां नजर आती हैं, छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ कर और उनको इस तरीके से लोगों के सामने पेश करते जैसे उसने बहुत बड़ी गलतियां कर दी, और जबकि बहुत बड़ी गलतियों से हम घिरे होते हैं, हम भरे होते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने उंगली से उनके नाम पृथ्वी पर लिखना शुरू करे ना, तो उनको पाप नजर आने लगे। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी से जुड़ा है उसको उसके पाप पृथ्वी पर ही दिखाए जाएंगे, और वो उसी पृथ्वी के साथ जो है वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, भजन संहिता 109 और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, वे निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वे उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। देखिए क्या है, जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, जो परमेश्वर पे आस्था नहीं रखते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, निरंतर वो परमेश्वर की दृष्टि में बने हुए हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। नाम जो पृथ्वी पर लिखे हैं जिनके नाम है, उनके नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। मतलब क्या है कि पृथ्वी को जब वो नाश करेगा तो उस पृथ्वी के साथ उनको भी मिटा डालेगा जिनके नाम पृथ्वी पर लिखे। आज आप बहुत नाम वाले होंगे, बहुत नाम आपने इस पृथ्वी पर कमाया होगा, दुनिया के इस पृथ्वी के कोने कोने में आपका नाम हो रहा होगा, परंतु यदि आपका नाम स्वर्ग में लिखा नहीं है तो इस दुनिया में कितना बड़ा नाम आपका हो जाए, कितना नाम आपका दुनिया के कोने कोने में फैल जाए, परंतु इस पृथ्वी के साथ ही नाश हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ही कहता है अगर हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, हम अपने आप अपने नाम स्वर्ग में लिखाना चाहते हैं, अगर इन बुराइयों से इन चीजों से बचना चाहते हैं, तो अपना नाम स्वर्ग में लिखाएं, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाएं। और यह तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन इस पृथ्वी पर जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तो हमारा नाम स्वर्ग में अर्थात जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा नाम इस पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में लिखा होना चाहिए। तो आइए आज से हम अपने आप को तैयार करें कि अपने नाम पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में लिखाएं, ताकि हम जब प्रभु आए इस अंतिम समय में तो हम बचाए जा सके, और हमारे नाम जो स्वर्ग में लिखे हैं वो सब प्रभु के साथ उठाए जा सके। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।